वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर रेसिपी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पिनिच चीज़ी पनीर बॉल्स की रेसिपी। जरूर से इसको अपने घर पे ट्राई करें, बहुत क्रिस्पी एंड टेस्टी है। ये स्टार्टर रेसिपी है, कोई भी गेस्ट आने पर या घर पे भी हम इसको बना के अच्छी तरह से इजीली हम बना सकते हैं एंड स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं। विंटर्स में ये गरम गरम चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। सो जरूर से इसको अपने घर पे ट्राई करें। एंड आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसी अच्छी अच्छी टेस्टी यूनिक रेसिपी स्टार्टर्स में, मेन कोर्स एंड स्वीट्स के लिए, मेरी डेजर्ट्स के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। सो जरूर से अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगे तो। देखिए बाहर से बहुत क्रिस्पी एंड अंदर से बहुत टेस्टी है। अगर गेस्ट को सर्व करना है तो इसे टिश्यू पेपर लेके आप ऐसे को हाथ में भी इजीली दे सकते हैं ऐसे। एंड देखिए अंदर से भी कितनी क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट एंड बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी देखिए बनी है, बहुत टेस्टी है। ज़रूर से इसको अपने घर पे ट्राई करें। देखिए इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं की है। पालक को हमने ब्लांच कर दिया है, एक बॉईल आने तक ही पतीले में रखा था, फिर ठंडे पानी में डाल के एंड फिर उसकी प्योरी बना दी है। फिर अभी मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया। पानी डालने के बाद मैंने ये पालक की जो प्योरी बना के रखी थी, पालक की प्योरी में मैंने 2 ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दिए हैं, जैसे थोड़ा बाहर का जो साइड है वो, बाहर का पड़ है वो थोड़ा तीखा एंड टेस्टी स्पाइसी लगे। एंड सूजी मैंने धीरे 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 करके 1 कप ऐड कर दी है, पर सारी मिक्स साथ में ही ना डालें, धीरे धीरे करके ऊपर से डालें। एंड उसमें मैंने 2 स्पून जितना मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑयल एंड सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करते रहेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे तो जैसे जैसे थिक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम कर देंगे, थोड़ी सी थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे एंड ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए उसको पकने के लिए छोड़ेंगे, जैसे थोड़ा ज़्यादा ही एकदम थिक हो जाए। और थिक हो जाएगा तो बाहर का जो हमें पड़ चाहिए, ये देखिए एकदम थिक हो गया है। बाहर की साइड हमें एकदम पड़ बनाना है, बाहर का जैसे हम कचौरी में बनाते हैं। एंड अभी ये मैंने चीज़ एंड पनीर दोनों चीज़ें मैंने कर दी है, एकदम क्रश कर दी है। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया दिया है थोड़ा सा सॉल्ट एंड इसमें मैंने ऐड कर दिया है, एंड इसमें ओरिगानो एंड चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिए हैं। छोटे छोटे बॉल्स बना के मैंने रख दिए थे साइड में ये चीज़ एंड पनीर के। एंड बाहर का जो सूजी वाला हमने जो मैं बैटर बना मिक्सचर बना के रखा था, सो पहले वो हाथ में लगा थोड़ा करके एंड उसके बीच में चीज़ एंड पनीर का बॉल ऊपर से ये स्लरी में हमने डिप किया है उस बॉल को, स्लरी कॉर्नफ्लोर एंड 1-1 चम्मच कॉर्नफ्लोर एंड 1 चम्मच मैदे में थोड़ा सा नमक एंड पानी ऐड करके उसकी स्लरी बना दी है। उसके बाद मैंने कोट कर दिया है ब्रेड क्रम्स में से कोट करके, फिर मैंने इसको फ्राई करने डाल दिया है। देखिए कितने ईजीली फ्राई होंगे एंड बाहर से एकदम क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड चीज़ी, टेस्टिंग में भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी गेस्ट आने पर हम ये स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं एंड बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चीज़ आजकल चीज़ का बहुत है ट्रेंड, तो बच्चों को तो चीज़ देख के खुश हो जाते हैं। वैसे बच्चे वेजिटेबल्स ऐसे वगैरह नहीं खाते हैं, तो हम इस हिसाब से उनको न्यूट्रिशस फूड ऐसे दे सकते हैं। देखिए मैंने दूसरे भी फ्राई होने रख दिए हैं, सारे हमारे बन के हो गए हैं रेडी। देखिए कितने मस्त मज़ेदार बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। तो ज़रूर से इसको अपने घर पे ट्राई करें।